जय श्री स्वामीनारायण। स्टैंडर्ड 9th इंग्लिश सोशल साइंस चैप्टर नंबर 20 डिजास्टर मैनेजमेंट। डियर स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट चैप्टर 20 डिजास्टर मैनेजमेंट। डियर स्टूडेंट, सबसे फर्स्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिजास्टर। डिजास्टर का मतलब तबाही, और मैनेज करना, मैनेजमेंट। डियर स्टूडेंट, एज वी एवरी वन नो देयर आर टू टाइप्स ऑफ द डिजास्टर, नेचुरल और मैनमेड। क्या हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं मैनमेड के द्वारा। इज वी एवरी वन नो, जैसा हम जानते हैं कि देर इज ए सम इंटरनल डिस्टर्बेंस एंड देर इज ए अकर्ड डिजास्टर। पृथ्वी के अंतर्गत आप देखते हैं, जैसे हमारे अर्थ के जो इंटीरियर पार्ट में है, आप इस तरह से बना हुआ है, और इज वी एवरी नो यहाँ हमारे जो हीटिंग है, गर्मी है अर्थ के अंदर, और से वाटर है एवोपरेट्स अंदर, पानी की जो मात्रा है धीरे धीरे जमीन के अंदर जाती रहती है, एवोपरेट्स होता है, और यहाँ पर जो एंड ट्राई टू कम आउट, बाहर आने के लिए प्रयास करता है, फोर्स पड़ता है, जिसकी वजह से ये इंटरनल एक्टिविटीज़ की वजह से भी डिजास्टर होता है, जिनके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको बता दें ड्यू टू इंटरनल रीजंस, आंतरिक कारणों से, है ना। कभी कभी ड्यू टू द ब्रेकडाउन, रॉक्स का टूटना और फोर्स लगना, मेघमा गर्मी की मात्रा ज़्यादा है अर्थ के अंदर, इसी तरह से अपर पार्ट के अंदर देखे थे जैसे फ्लड वगैरह आना, ये पृथ्वी के ऊपर के साइक्लोन वगैरह का प्रोड्यूस होना। इसी दौर में अगर हम बात करें तो देखिए, यहाँ नेचुरल की बात भी है और मैनमेड की है। मैनमेड नेचुरल में आपको बता दिया, कई नेचुरल कारण नेचर के कारण से होता है, और मैनमेड कई बार ह्यूमन बींग की लापरवाही की वजह से बहुत बड़ी बड़ी डिजास्टर घटनाएं हो जाती हैं, जो हमें विनाश की ओर ले जाती हैं, तो उनको हम वन बाई वन एक्सप्लेन करेंगे जैसे। लेकिन यहाँ मैनेजमेंट का मतलब मैनेज कैसे करें हम लोग, तो देखिए कुछ ऐसे डिजास्टर्स होते हैं विच कैन, जिनको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, मतलब पहले से उसके बारे में जान सकते हैं, हमें पता चल सकता है। कुछ ऐसे स्थिति होती है जिनके बारे में सर्टेन होते हैं, जिनका पता हमें नहीं होता है, हम नहीं लगा पाते हैं, लेकिन फिर भी मैनेज करने का हमें प्रयास करना चाहिए। वी शुड ट्राई टू मैनेज देम, और जो मैनेजमेंट किया जाता है दैट इज कॉल्ड डिजास्टर मैनेजमेंट। तो चले लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर। आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया था व्हाट इज द डिजास्टर मैनेजमेंट, कि कहीं इस डिजास्टर में हम कैसे मैनेज करें इन दैट कंडीशन, उसे हम मैनेजमेंट बोलते हैं। एव नाउ लेट्स बी गोइंग, चलिए हम चलते हैं। तो बराबर से ध्यान दें स्टूडेंट्स, ए डिजास्टर में भी नेचुरल और मैन इंड्यूस। देखो डिजास्टर नेचुरल भी हो सकता है और ह्यूमन बींग की वजह से भी हो सकता है। मे बी ए कैटास्ट्रोफिक एंड डायस्ट्रोफिक एंड मे हैव ओरिजिनेटेड इन द इंटीरियर ऑफ अर्थ और इन एटमोसफियर। अब देखिए ये ओरिजिनेटेड होता है, अब जैसा आपको बताया, इंटीरियर ऑफ द अर्थ आंतरिक भाग और एटमोसफियर में। इट इज़ फेल्ड ओवर एक्सटेंसिव एरिया ऑन द अर्थ, और ये हमें बहुत बड़े भाग पर, पृथ्वी के बड़े एरियाज के ऊपर हमें इसका एहसास होता है, ऑल्सो रिजल्टेड डिवास्टेशन, और उसका परिणाम तबाही निकलता है। इफ़ वी एग्जामिन फ्यू फेनोमेना, अगर हम लोग कुछ एग्जामिन की बात करें तो देखिए, इट विल बी क्लियर दैट डिजास्टर डैमेज लाइव्स ऑफ प्रॉपर्टी टू ग्रेट एक्सटेंट।
अगर हम लोग किसी तरीके से बात करें तो देखिए ऐसे कई डिजास्टर हुए हैं जिनसे जन और धन की बहुत लॉस हुआ या हानि हुई है। अब जिसमें देखिए यहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन, अर्थक्वेक, सुनामी आदि कलेक्टिव बहुत नेचुरल और मैनमेड इंडियस एक्ट है। सम इवेंट्स ब्रिंग प्री प्लान, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं इवेंट्स होती है जिनको ब्रिंग प्री प्लान किया जाता है। डिवेस्टिनेशन एंड डिस्ट्रक्शन से एटॉमिक अटैक बाय यूएस बॉम्बर ओवर हिरोशिमा एंड नागासाकी सिटीज ऑफ जापान, सेकंड वर्ल्ड के अंदर जो देखिए कुछ प्री प्लानिंग से होते हैं, कुछ डिजास्टर होते हैं जो प्री प्लान होते हैं, जैसे हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर बॉम्ब ब्लास्ट किया गया। वेयर इज ऑफ सम इवेंट्स रिजल्ट इन द ह्यूमन नेगलेंसेस मिस्टेक ऑफ भोपाल के कुछ चीज़ें, कुछ लोगों की नेगलिजेंस है ना, जिसमें भोपाल गैस ट्रेजेडी का हमारे पास एग्जांपल है, जो केयरलेसनेस या एक बड़ी छोटी सी मिस्टेक से भी बहुत बड़ा डिजास्टर किया जा सकता है। इसके बाद में यहाँ पे आपका कैरन बाय न्यूक्लियर डिजास्टर ऑफ रशिया, ऐसे दो एग्जांपल्स दे रखे हैं। तो डियर स्टूडेंट, डिजास्टर की देर आर टू टाइप्स बता रखे हैं, टाइप्स ऑफ डिजास्टर। तो वी वेर आर अवेयर ऑफ रिस्क ऑफ डिजास्टर, देखिए यहाँ हमें इस डिजास्टर से अवेयर रहने की ज़रूरत है। टू डिसाइड स्ट्रेटेजी, हम जो स्ट्रेटेजी डिसाइड करते हैं टू रिलीफ वर्क, इट इज़ नेसेसरी टू नो द रीज़न एंड अ रेस्पॉन्सिबल सिचुएशन। अब देखिए हम लोग जो नेसेसरी हमें आवश्यक है उनके रीजन्स और उसके रेस्पॉन्सिबल पॉइंट्स को ध्यान में रखने की, क्यों आते हैं ये सब चीज़ें। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो दिस रेफरेंस ऑल अवर प्रिपरेशन ऑफ रिलीफ वर्क। एक्सपर्ट्स ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट हैव डिवाइड द डिजास्टर इंटू टू कैटेगरीज। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो, ये जानना बहुत आवश्यक है, दिस विद रेफरेंस ओवरऑल प्रिपरेशन, क्योंकि हमें किस तरह से प्रिपरेशन करनी है। तो प्रिपरेशन हम तभी कर पाएंगे जब इनके कारणों का हमें पता चलेगा। रीजन्स जब तक हमें पता नहीं है तो हम लोग कैसे इसके सॉल्यूशन की ओर आगे बढ़ें। तो यहाँ पे एक्सपर्ट के माध्यम से कुछ यहाँ दो कैटेगरी बांट रखी है। सबसे पहले देयर आर टू कैटेगरीज, नेचुरल डिजास्टर एंड दूसरा है मेन इंड्यूस्ड डिजास्टर। तो देखो यहाँ नेचुरल डिजास्टर की बात करें, दिस इंक्लूड नेचुरल डिजास्टर के अंदर फ्लड, साइक्लोन, साइक्लोन के बाद में सुनामी, ड्रॉट, अर्थक्वेक, वोल्केनो, फॉरेस्ट फायर। अब देखिए इसके अंतर्गत भी फ्लड, साइक्लोन और सुनामी एंड ड्रॉट जिसको हम फोरकास्ट कर सकते हैं, है ना। अब देखो इसमें फोरकास्ट इज पॉसिबल फॉर फ्लड, फोरकास्ट संभव है फ्लड, साइक्लोन और सुनामी, ड्रॉट, व्हाइल इट इज नॉट पॉसिबल टू फोरकास्ट, जिसकी हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते, उसमें अर्थक्वेक, वॉल्केनिक इरप्शन एंड फॉरेस्ट फायर। मेन इंडियस डिजास्टर के अंतर्गत है तो उसके अंदर आप लोग देखेंगे जिसमें इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स, बोम एक्सप्लोजन, रायोट्स आर इंक्लूडेड। तो इस तरीके से देर आर टू टाइप्स हैं। इन टाइप्स के अंदर में अगर हम नेचुरल की बात करें, कुछ फोरकास्टेड किए जाते हैं, कुछ को हम फोरकास्ट नहीं कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस, हमारा सबसे पहले हम जो डिस्कस कर रहे हैं फ्लड के बारे में, नेचुरल डिजास्टर का फर्स्ट पॉइंट फ्लड। बाय फ्लड वी जनरली मीन द एक्सटेंसिव लैंड एरिया रिमेनिंग सबमर्ज अंडर द वॉटर कंटिन्यूसली फॉर सेवरल डेज। जनरली हम फ्लड का जो मीनिंग निकालते हैं वो क्या है, एक्सटेंसिव लैंड एरिया रिमेनिंग, एक बहुत बड़ा भाग लैंड का पानी के अंदर डूबा रहता है, सबमर्ज होता है अंडर वाटर कंटिन्यूसली फॉर सेवरल डेज, कई दिनों तक कोई जो लैंड एरिया है वो पानी के अंदर डूबा हुआ रहता है। पीपल एसोसिएटेड फ्लड विद रिवर, फ्लड को हम रिवर के साथ जोड़ते हैं। वेन रिवर वाटर ओवरफ्लो इट्स बैंक, जब
नदी का पानी ओवरफ्लो होता है, बैंक उसके किनारों पे, नियर बाय लैंड एरिया कम्स अंडर वाटर और आसपास का जो लैंड एरिया है वो पानी की चपेट में आ जाता है, तो फ्लड इज ए नेचुरल इवेंट। तो आपको ध्यान में है फ्लड कैसा है, एक नेचुरल इवेंट से इज रिजल्ट टू कंटिन्यूस हैवी रेनफॉल और इसका मुख्य कारण है बहुत तेज गति से लगातार बारिश होना। फ्लड बिकम डेंजरियस, फ्लड कब डेंजरियस हो जाती है, खतरनाक हो जाती है, व्हेन सम कंस्ट्रक्शन इज कैरीड आउट इग्नोरिंग ह्यूमन एक्टिविटीज ड्रेनेज पैटर्न स्लोप ऑफ द लैंड। देखो यहाँ फ्लड्स बिकम डेंजरियस व्हेन सम कंस्ट्रक्शन इज, कई बार क्या होता है पानी से जहाँ बहने का जो प्लेस होता है उसी पर वहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर दिए जाते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क किया जाता है, इग्नोरिंग ह्यूमन एक्टिविटीज एंड ड्रेनेज पैटर्न स्लोप डैमेज लाइफ, तो जिसकी वजह से डैमेज लाइफ, जीवन का अंत होता है, पॉपुलर प्रॉपर्टी का नुकसान होता है। अगर मान लो फ्लड आती है तो हमें क्या करना चाहिए और हमें क्या नहीं करना चाहिए, तो देखिए कलेक्ट योर प्रीसियस एंड पर्सनल रिक्वायरमेंट एंड टेक अ रिफ्यूज एट द सेफर प्लेस। यदि बाढ़ की स्थिति बनती है तो आप अपने प्रीसियस और पर्सनल रिक्वायरमेंट की जो वस्तुएं हैं उन्हें कलेक्ट करें और रिफ्यूज सेंटर पर चले जाएं, सेफ प्लेस पर चले जाएं। पुट वाटर ड्राई ब्रेकफास्ट कैंडल लैंटर्न मैच बॉक्स इन द प्लास्टिक बॉक्स सो दैट दे डू नॉट गेट वेट, और इसके अतिरिक्त पुट वाटर पानी साफ शुद्ध पानी अलग रखें, ड्राई ब्रेकफास्ट रखें साथ में, कैंडल्स लैंटर्न और मैच स्टिक जो है मैच बॉक्स उसको प्लास्टिक के अंदर रखें जिससे वो गीले ना हो जाए, एंड दे शुड बी कैप्ट विथ यू, और तुम्हारे अपने साथ रखे जाएं। डोंट कीप द चिल्ड्रन हंग्री, बच्चों को भूखा ना रखा जाए। आफ्टर द फ्लड रिसीड, जब बारिश फ्लड कम हो जाए, ड्रिंक ओनली बॉइल्ड वाटर, केवल बॉइल्ड वाटर ही पिए। रेडियो मोबाइल फोन शुड बी कैप्ट विद यू इनवेरिएबली, और आपके पास ये कंप्लीट करके रखें, ठीक है, इनका जनरल जब जरूरत हो इंफॉर्मेशन के लिए तभी यूज़ करें, बैटरी वगैरह फुल चार्ज करके रखें। बी अवेयर ऑफ स्नैक, और इसके अतिरिक्त देखो सांप से, पानी जब बढ़ जाता है तो हम उनके जो जहाँ पर सांप रहते हैं दर जिसको बोलते हैं, तो ऐसे प्लेसेस के अंदर सांप बाहर निकल जाते हैं और उनसे हमें अवेयर होने की ज़रूरत है। दे मे कम टू ड्राई प्लेस, सूखे स्थान पर आने का वो प्रयास करते हैं। बम्बू स्टिक ऑफ ड्राई दबे देम, उनको हमें बम्बू स्टिक से भगा देना चाहिए। हमें क्या नहीं करना चाहिए ऐसी स्थिति, तो डू नॉट ईट फूड प्रिपेयर्ड ऑफ फ्लड वाटर, फ्लड वाटर से तैयार किए हुए भोजन को हमें नहीं खाना चाहिए। डोंट मूव आउट विदाउट कलेक्टिंग ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, बिना ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन लिए हमें बाहर नहीं जाना चाहिए। रूट्स एंड सिचुएशन बिफोर मूविंग टू सेफर प्लेस, बिना अथॉरिटी के इन्फॉर्मेशन से, क्योंकि जगह जगह पर हो सकता है खड्डों में पानी भरा हो और वी डोंट नो द रोड, और रोड वगैरह के बारे में हमें जानकारी नहीं होती है, और जब ऐसी स्थिति होती है तो हमें वहाँ खतरा बढ़ सकता है। तो डियर स्टूडेंट, आज हमने मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में स्टार्ट किया, और जिसमें हमने फ्लड, फ्लड की सिचुएशन के बारे में, व्हाट शुड वी डू इन द सच कंडीशन। देखो यहाँ स्टडी आपका ये जो चैप्टर है वो आपकी लाइफ के लिए भी ज़रूरत है, कभी हम ऐसी कोई सरकमस्टेंसेस सिचुएशन का हमें सामना करना पड़े तो हाउ कैन वी से व्हाट शुड वी डू और व्हाट शुड वी नॉट डू, ये हम यहाँ इस चैप्टर के माध्यम से जानकारी ले लिए हैं। तो फ्लड के कंडीशंस के अंदर हमें क्या क्या ख्याल रखने चाहिए, तो इस तरीके से हमने ये फर्स्ट टॉपिक हमने फिनिश किया। नेक्स्ट में वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट टॉपिक इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। जय श्री स्वामीनारायण, और तब तक आप अपने नोट्स को लिखिए,